देखिए एक त्रिभुज है जिसके बाहरी कोण मैंने लिख दिए हैं, ये 180 डिग्री का है, 125 और 115। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है आपका। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमें x का ज्ञात करना है मान, तो समस्त बाहरी कोणों का योग, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 1, 2, 3, इसलिए सभी बाहरी कोणों का योग, यानी लिखेंगे सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग कितना? सभी बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री है ना। अभी को जोड़ लो, x 10 125 प्लस 115 बराबर 180 x प्लस, तो ये हो गए आपके 130 ने 140 तो 240 हो गया आपका 240 बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? x बराबर सॉरी 360 होगा यार, कितना आएगा आपका? 360। समस्त बाहरी कोणों का योग 360 होता है यार, समस्त बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360 x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 360 240 उधर गए, माइनस के होंगे 240, घटा दो तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, छह में से चार गया तो दो, और तीन में से दो गया तो एक, 120। x का मान कितना आया? x इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज ए आंसर, ये आपका उत्तर आ गया। यानी कि ये कितने डिग्री का है? ये 120 डिग्री का होगा। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा चित्र है आपका, 1, 2, 3, 4, 5 पंचभुजे। ये क्या है आपका? पंचभुजे, पंचभुज बना रहे हैं हम, है ना। फिर ये भुजा आपकी जाएगी ऐसे, फिर ऐसे, है ना। अब आप देख रहे हैं कि ये तो ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, तो ये तो हुआ आपका 90 डिग्री का कोण। ऑलरेडी ये तो 90 का नहीं दिया तो भी हमें मालूम है ये तो 90 का होना ही है ना। अब ये जो रेखा है वो ऐसी है ना, ये जो रेखा आ रही है वो कैसी है? ये रेखा ऐसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है ना। तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये x बता रहा है कि यहाँ पे x डिग्री का है, यहाँ पे जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना? x डिग्री का, x डिग्री का, एक्स का। फिर ये 70 का, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री का, ये आपका कितनी डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री का, और ये आपका 90 का। देखो ये और ये लाइन जा रही है, ये 90 डिग्री का, ये 90 का, ये लंबवत है तो ये 90 का, और ये वाला है आपका 60 का है ना, पेज नंबर 24 पे 60 का,
चलो ये 24 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, कितने डिग्री का? 60 डिग्री। तो x का मान निकालना, आपको किसका मान निकालना है? x का मान। वेरी सिंपल, हमने लिख ही दिया सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, जितने भी बहिष्कोण हैं उन सभी बहिष्कोणों या सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इन सबको जोड़ लो, जोड़ो इनको, 90, 90 के बाद में 60, फिर 90, फिर 90 आ गया, फिर x, फिर 70 बराबर 360। अब इन सबको जोड़ो, है ना, तो 20, इसमें से 20 निकालो, 20 निकाल के इसको दे दो तो ये 90 हो जाएंगे, 70 और 20 90, 90 और 90 180 और 90 270, 270 में 40 जोड़ो तो 310, 310 और ये x बराबर 360, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360, 310 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, है ना, x बराबर कितना बचेगा आपका, 360 में से 310 गए तो 50 बचेगा, कितना बचेगा, x का मान कितना आया, x का मान 50 डिग्री, x का मान कितने डिग्री है, 50. x इज ए 50 डिग्री, x का मान 50 डिग्री आया। सरल के कठिन ये सवाल, सरल है कि कठिन है, सरल है ना। अब इसी से संबंधित एक और सवाल हम करेंगे, चलो इसी से संबंधित एक सवाल और कर लेते हैं, ये भी आपकी किताब में दे रखा है, पेज नंबर 23 पे सवाल है, पेज नंबर 23 पे दे रखा है ये सवाल, है ना, तो मैं लिख देता हूँ इस सवाल को, ये 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 फिर ये जाएगा इस तरीके से, फिर ये जाएगा इस तरीके से और ये जाएगा नीचे, और ये जाएगा इधर, और ये जाएगा इधर। तो देखो ये कितना है, ये आपका 100 डिग्री है, ये आपका 100 डिग्री है, ये आपका 90 का है, 90 डिग्री है, ये आपका 50 है, दिस इज ए 50 डिग्री, और ये आपका 110 डिग्री का है, 110 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है, अभी कर लेते हैं, देखो आप x का मान अभी आपके सामने हम निकाल के दिखाते हैं आपको, सभी कोणों का योग कितना होता है, 360, तो जोड़ लो इन सबको, सबसे पहले x से शुरू करो, x प्लस 90 प्लस फिर 50 फिर प्लस 110 बराबर कितना, बराबर में 360, ये 360, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस, तो देखो 90 और 110 कितने होंगे, 200, और 200 ने 50 कितने होंगे, 250, ये 250 बराबर 360, x बराबर
360, ये 250 प्लस के उधर जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो बराबर के उस तरफ जाएंगे, प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 250। तो बराबर में कितना बचेगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, छः में से पाँच गया एक, तीन में से दो गया एक, एक से बराबर कितना आ जाएगा, एक से बराबर होगा आपका 110 डिग्री, एक से बराबर 110 डिग्री, एक्स का मान कितना आया 110 डिग्री।